हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आमंत्रण क्लासेस में स्वागत है। इस सेशन में हम लोग आज जो आरपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, अर्थात जो 27 अक्टूबर 2021 को आरपीएससी का प्रीलिम्स हुआ है, उसमें जो ज्योग्राफी का प्रश्न पूछा गया है, उस ज्योग्राफी के प्रश्नों का हम लोग विश्लेषण करेंगे और उसका सटीक उत्तर आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो आप इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा, प्रत्येक प्रश्न का एनालिसिस होगा और उसका उत्तर हम आपको बताएंगे। उससे पहले अभी तक यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेंगे। अपने अपने ग्रुप में शेयर सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे पहले आपको ये जो आमंत्रण क्लासेज चैनल है, इस पर क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती है, इसमें आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक की जो घटनाक्रम होता है उसकी जो है सो विश्लेषणात्मक जानकारी मिलती है। सामान्य अध्ययन के सभी विषयों की जो है सो वो क्लासेज आपको मिलेगी। इतिहास और भूगोल ऑप्शनल पेपर की क्लासेज मिलेगी और निबंध से संबंधित क्लासेज भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इस संदर्भ में यदि आपके पास कोई क्वेरी है तो आप इस मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो इस टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि क्लास से संबंधित जो भी सूचनाएं होती है, पीडीएफ होती है, वो आपको यहाँ से पहुँचता रहेगा। साथ ही अब आप मेरा क्लास जो है कुछ दिनों में ऐप पर भी देख पाएंगे। ये ऐप का लिंक है, इस लिंक से जाकर भी आप ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर भी आप आमंत्रण क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ऐप के माध्यम से आपको प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के टेस्ट सीरीज मिलेंगे। टेस्ट सीरीज का मॉडल आंसर और उसका विश्लेषण मिलेगा। सामान्य अध्ययन के सभी विषयों का क्लास मिलेगा आने वाले समय में। ज्योग्राफी और इतिहास ऑप्शनल पेपर के भी क्लास मिलेंगे और निबंध के क्लास भी आपको इस पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आइए, आज का जो इतिहास ज्योग्राफी का प्रश्न है, राजस्थान पीसीएस में पूछा गया है 2021 में। भूगोल में तीन सेक्शन, खासकर जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, जो इंडियन ज्योग्राफी है और जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का, इस तीन सेक्शन के प्रश्नों का हम विश्लेषण करेंगे। राजस्थान भूगोल का जो प्रश्न है वो हम विश्लेषण नहीं करेंगे, इन तीन सेक्शन का विश्लेषण करेंगे। तो भूगोल के प्रश्नों की संख्या इन तीनों सेक्शन में मिलाकर कुल 11 के आसपास है। तो आधे घंटे का ये सेशन होगा, आप ज़रूर इसको लास्ट तक देखिएगा। और अपने प्रश्न से, चूंकि मैंने टाइप करके बनाया है, तो सीरीज ए बी सी डी मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप अपने प्रश्न से इसको मैच करके आंसर मिला लीजिएगा कि आपका कौन सा सही हो रहा है। तो सबसे पहला प्रश्न जो इसमें पूछा गया है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से, वो है कि बायोमास का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में पाया जा सकता है। तो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में पढ़ते हैं, जो तीन प्रकार का होता है, सभी को पता होगा। इसमें एक होता है जिसको हम लोग संख्या पिरामिड कहते हैं, दूसरा होता है जिसको बायोमास पिरामिड कहते हैं, इसी को भार पिरामिड कहते हैं, और तीसरा जो होता है उसे हम ऊर्जा पिरामिड कहते हैं। तो संख्या पिरामिड जो होता है, इससे किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर के जीवों की जो संख्या होती है उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। संख्या पिरामिड सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है। ठीक उसी तरीके से जो बायोमास अर्थात भार पिरामिड होता है, इससे हमें किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर के जीवों के कुल बायोमास के बारे में जानकारी मिलती है। और संख्या पिरामिड की तरह बायोमास पिरामिड भी सीधा होता है और उल्टा होता है। और ऊर्जा पिरामिड में हम किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर के जीवों के मध्य जो ऊर्जा का प्रवाह होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। चूंकि ऊर्जा का प्रवाह यूनिडायमेंशनली होता है, इसलिए ऊर्जा पिरामिड केवल सीधा होता है। अब आपका प्रश्न है कि इसमें से उल्टा कौन होगा, तो घास के मैदान का जो बायोमास पिरामिड होगा वो भी सीधा होता है, टुंड्रा वन प्रदेश में भी सीधा होगा, टुंड्रा रीजन में, और वन का भी बायोमास पिरामिड सीधा होगा, क्योंकि उत्पादक जो होगा उसका बायोमास अधिक होगा, उस पर रहने वाला जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसका कम होगा, उसके ऊपर जैसे जैसे जाएंगे बायोमास कम होते जाएगा। लेकिन जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है, महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र का जो बायोमास पिरामिड होगा ये रिवर्स कर जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा इसमें दो होगा, महासागर या समुद्री पिरामिड, क्योंकि इसमें जो उत्पादक होता है फाइटोप्लैंक्टन, इसका बायोमास बहुत कम होता है, लेकिन जो इसको खाने वाला प्राइमरी
शाकाहार होगा उसका इसके तुलना में अधिक होगा। जो शाकाहार होगा उसको खाने वाला जो मांसाहार होगा और जो व्हेल टाइप की जो मछलियां होती है उसका बायोमास सबसे अधिक होगा। तो महासागरीय पर्यावरण या समुद्री पर्यावरण का जो बायोमास पिरामिड होगा वो उल्टा होगा। तो आपका आंसर इसमें दू होगा, आप ये ध्यान रखेंगे। ये तालाब पर भी लागू होता है, एक तालाब का संख्या पिरामिड सीधा होता है और एक तालाब का बायोमास पिरामिड उल्टा होगा। उसी तरीके से समुद्र का संख्या पिरामिड सीधा होगा क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन की संख्या असंख्य में होगी और उस पर जो बायोमास पिरामिड होगा वो क्या होगा, रिवर्स करेगा। तो पहला का आंसर आपका दो हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची मिलाना है, एक तरफ जो है सो नदी है और दूसरी तरफ उसकी सहायक नदियों की संख्या दी गई है। तो दूसरा प्रश्न का जो उत्तर होगा उससे पहले हम लोग खोजते हैं गोदावरी की जो सहायक नदी है वो इसमें पैन गंगा रिवर है। महानदी की सहायक जो है शिवनाथ और हंसदो, क्लास में भी ये मैं पढ़ाता हूँ। दामोदर की सहायक जो है वो बराकर रिवर है और तब शेष कावेरी की सहायक जो है वो कौन सी हो जाएगी, भवानी नदी हो जाएगी। तो अब एक का आपका दो हो जाएगा, तो इस पर एक ही पर ये प्रश्न आ जाता है। तीसरा इसका उत्तर होगा आपका, यानी कि इसमें गोदावरी की सहायक पैन गंगा है, महानदी की सहायक शिवनाथ है, दामोदर की सहायक बराकर है और कावेरी की सहायक भावनी है। एक ही ऑप्शन यदि आप जानते हैं गोदावरी के बारे में तो आपका आंसर जो है इस पर निकल आता है। तो इसका आंसर आपका तीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है फिर से, कि तीसरा प्रश्न है कि पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है। देखिए मैंने इस पर बहुत सारा डाटा रिसर्च करने का प्रयास किया, बहुत सारा खोजा भी, कुछ डिफरेंट आंकड़े मिले, लेकिन इसमें जो 1.8 डिग्री फारेनहाइट ये सही होगा क्योंकि पिछली शताब्दी में जो है सो 1.62 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर जो है सो बढ़ा है। तो इस हिसाब से 1.8 डिग्री फारेनहाइट जो है सो उसके नज़दीक है। तो इसमें 1.8 डिग्री फारेनहाइट आंसर होगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। हो सकता है आरपीएससी का आंसर आएगा तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी जो उपलब्ध साक्ष्य है और जो मैंने रिसर्च किया है उससे चार ही आंसर इसका निकल कर आ रहा है कि पिछले एक शताब्दी में 1.8 डिग्री फारेनहाइट तापमान में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डोडा बेटा चोटी कहाँ पर अवस्थित है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, डोडा बेटा चोटी। तो जोडा बेटा चोटी सभी को पता है, इसमें इफ बट की कोई संभावना नहीं है। ये कहाँ पर है, नीलगिरी श्रेणी में अवस्थित है। नीलगिरी कहाँ पर है, तो हम सभी जानते हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिम घाट के ज्वाइंट पर अवस्थित है और इसी ज्वाइंट पर जो नीलगिरी पर्वत है उसकी सर्वोच्च चोटी जो है डोडा बेटा है। नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। अन्नामलाई श्रेणी में अन्नामुदाई है जो प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है और सतपुरा श्रेणी में धूपगढ़ है जो सतपुरा की सर्वोच्च चोटी है, वो महादेव पहाड़ी में अवस्थित है। तो इस प्रश्न में आपका जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो तीन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारा पर अवस्थित है। जब हम लोग परिवहन के बारे में पढ़ते हैं, भारत में सड़क परिवहन के बारे में, तो उसमें गोल्डन क्वाड्रिलेटर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो एक जैसे जो है ना भारतमाला प्रोजेक्ट है, तो इसी तरीके से उत्तर दक्षिण गलियारा पर इसमें से कौन सा शहर अवस्थित है ये आपको बताना है। तो इस पर ना तो ये जो पांचवा प्रश्न है इस पर ना तो कानपुर अवस्थित है, ना कोटा अवस्थित है, ना लखनऊ अवस्थित है। उत्तर दक्षिण गलियारा पर जो है आगरा शहर अवस्थित है, तो आपका आंसर पहला हो जाएगा। इसके अलावा उत्तर दक्षिण गलियारा पर और कौन कौन शहर है, तो बेसिकली ये श्रीनगर से शुरू होता है और श्रीनगर से शुरू होकर ये किसको कनेक्ट करता है, कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है। श्रीनगर के बाद ये जो उत्तर दक्षिण गलियारा है ये जम्मू जाती है, जम्मू के बाद ये पठानकोट जाती है, पठानकोट इसी पर अवस्थित है। पठानकोट के बाद आप देखेंगे तो ये जो पंजाब का लुधियाना शहर है लुधियाना इसी पर अवस्थित है। लुधियाना के बाद जो चंडीगढ़ है ये भी इसी पर अवस्थित है। चंडीगढ़ के बाद जो है सो न्यू दिल्ली से होकर ये जाती है, न्यू दिल्ली से होकर
न्यू दिल्ली के बाद ये जो है आगरा पहुंच जाती है। आगरा के बाद ये मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर में ग्वालियर जाती है। ग्वालियर के बाद ये झांसी। तो झांसी शहर जो है ना, ये उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के जंक्शन पर अवस्थित है, जंक्शन पॉइंट पर। फिर ये महाराष्ट्र के नागपुर जाती है। नागपुर के बाद ये हैदराबाद, जो अब तेलंगाना की राजधानी बन चुकी है, तो हैदराबाद। हैदराबाद के बाद ये बेंगलुरु भी जाती है, बेंगलुरु। बेंगलुरु के बाद ये मदुरई शहर को जाती है, और मदुरई के बाद जो है ये कन्याकुमारी को चली जाती है। तो इस तरीके से जो उत्तर दक्षिण गलियारा है, इस पर ये सभी शहर अवस्थित है। आगरा इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, आगरा आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ये है छठा प्रश्न। इसमें भी सूची मिलानी है। एक तरफ भारत के कुछ स्थल हैं और सामने में ऊर्जा दिया गया कि कौन सा स्थल किस प्रकार के ऊर्जा के लिए, उत्पादन के लिए फेमस है। तो इसमें पावागढ़ जो है ना, ये पावागढ़, पहले आप जान लीजिए कि पावागढ़ कहाँ पर अवस्थित है, ये गुजरात में है। ताता पानी जो है ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ताता पानी आपका छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। मुपंदल आपका कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपका तमिलनाडु में अवस्थित है, तमिलनाडु में। और काकरापार फिर से कहाँ पर अवस्थित है, तो फिर से ये आपका गुजरात में अवस्थित है, गुजरात में अवस्थित है। तो पावागढ़ जो है ये बेसिकली क्या है कि सौर ऊर्जा परियोजना के लिए फेमस है, सौर ऊर्जा परियोजना के लिए। ताता पानी जो छत्तीसगढ़ का है, ये भूतापीय ऊर्जा के लिए फेमस है। मुकुंदल जो तमिलनाडु का है, ये पवन ऊर्जा के लिए है। और काकरा पार जो है ये परमाणु ऊर्जा के लिए फेमस है। तो इस तरीके से आप ए का दो हो जाएगा आपका, और एक ही पर इसका आंसर निकल कर आ जाता है आपका कि छठा का क्या हो जाएगा आपका, दो आंसर हो जाएगा। यानी कि पावागढ़ जो गुजरात में है, ये सौर ऊर्जा के लिए है। ताता पानी भूतापीय ऊर्जा छत्तीसगढ़ में, मुकुंदल पवन ऊर्जा के लिए। भारत में बहुत बड़ा सोलर फार्म है यहाँ पर, और पवन ऊर्जा उत्पादन करने के लिए विंड फार्म है, सोलर फार्म है, विंड फार्म है। और काकरा पार जो है परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। तो दो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो ज्योग्राफी का है वो सातवां है कि निम्नलिखित में से ये जो विशेषताएं हैं ये किस नदी की है, ये आपको पूछा गया है कि इस चारों में से कौन ऐसी नदी है जिसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली की पहाड़ी से है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है, और बेरच, कोठार या कोठारी और मोरेल इसकी सहायक नदी है। तो ये किस नदी के बारे में है, ये आपसे पूछा गया है। माही है, चंबल है, लूनी है या बनास है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सातवां का, ये बनास नदी के बारे में पूछा गया है। बनास नदी जो है ना, ये अरावली के राजसमंद जिले के पास से खमनौर की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तो खमनौर की पहाड़ी से निकलती है, ओरिजिन लेती है। और खमनौर की पहाड़ी से ओरिजिन लेने के बाद ये कई जगहों से, जिलों से प्रवाहित होती है, जिसमें एक नाथ द्वार है। नाथ द्वार के बाद ये राजसमंद को जाती है, राजसमंद, यहीं से इसका उद्गम भी है। राजसमंद के बाद ये भीलवाड़ा को जाती है। भीलवाड़ा के बाद ये राजस्थान के टोंक जिले में जाती है। टोंक के बाद ये जो है सो कहाँ पर चली जाती है, सवाई माधोपुर होते हुए, सवाई माधोपुर होते हुए ये कहाँ पर मिल जाती है, तो चंबल की सहायक के रूप में प्रवाहित होती है। चंबल की सहायक बन जाती है, चंबल की सहायक बन जाती है। लगभग 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और कई सारी सहायक नदियां हैं, जिसमें इसकी बनास की सहायक नदियों में एक बेरच है। बेरच के बाद जो है सो कोठारी नदी है या कोठरी नदी है। फिर एक मानसी भी इसकी सहायक है। मानसी के बाद देखेंगे आप तो खारी इसकी सहायक नदी है, खारी। खारी के बाद देखेंगे तो मोरेल इसकी सहायक है। ये सभी इसकी सहायक है। तो इस प्रश्न में आपका क्या हो जाएगा, बनास के बारे में ये तीनों स्टेटमेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिर से सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ जो है कुछ पर्वत है, कुछ मैदान है, कुछ मरुस्थल है वो है, और दूसरी तरफ संबंधित महाद्वीप देश दिया हुआ है, वो आपको मैच करना है। तो एकांका गुआ जो है ये कहाँ पर है, तो एकांका गुआ एक पर्वतीय चोटी है
जो एंडीज पर्वत में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? एंडीज पर्वत। और एंडीज पर्वत में है तो एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो एक आपका चार हो जाएगा। मेसोटा जो है ये क्या है? एक प्रकार का पठार है। और मेसोटा जो पठार है तो मेसोटा का जो पठार है ये बेसिकली कहाँ पर पाया जाता है? तो मेसोटा का जो पठार है ये आपका स्पेन में पाया जाता है। ये आपका कहाँ पर पाया जाता है मेसोटा का पठार? तो ये मेसोटा का पठार आपका स्पेन में पाया जाता है। तो मेसोटा आपका कहाँ हो जाएगा? अब यूरोप में हो जाएगा। सेरेनगेटी का जो मैदान है ये आपका पाया जाता है, सेरेनगेटी का जो मैदान है ये पूर्वी तंजानिया जो अफ्रीका का देश है वहां पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? पूर्वी तंजानिया में पाया जाता है, पूर्वी तंजानिया में। तो सेरेनगेटी का मैदान कहाँ हो जाएगा? अफ्रीका। और गिब्सन मरुस्थल जो है ये ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में उसके पश्चिमी भागों में गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी, ये सभी जो मरुस्थल है यहाँ पर पाए जाते हैं। इन सभी को हम लोग सामूहिक रूप से ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट कहते हैं। तो डी का आपका एक हो गया। तो अब आपका देखिए ए का चार है, एक में चार कौन कौन से वहां को जो मेसोटा में तीन जाएगा, बस आपका आंसर आ गया ए, इसका आंसर है, यानी कि पहला आपका आंसर है। तो जो आठवां नंबर का प्रश्न है उसका पहला आंसर हो गया, यानी एकांका हुआ, दक्षिण अमेरिका, मेसोटा पठार है यूरोप में, सेरेनगेटी मैदान अफ्रीका में यानी पूर्वी तंजानिया में, और गिब्सन जो है ये मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भागों में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है नौवां प्रश्न, कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए ये जो कोडरमा है ये कोडरमा झारखंड में अवस्थित है, झारखंड में। और झारखंड में ये जो कोडरमा अवस्थित है ये किस लिए फेमस है? तो कोडरमा जो है झारखंड में कोयला के लिए फेमस है। तो पहला आपका जो हो गया ये गलत हो गया। बैलाडीला कहाँ पर है? सभी को पता है कि बैलाडीला जो है ये बस्तर की पहाड़ी का भाग है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में। और बैलाडीला जो है ये किस लिए फेमस है? तो बैलाडीला जो आपका है ये लौह अयस्क के लिए फेमस है, धारवार सीरीज की चट्टाने मिलती है तो लौह अयस्क के लिए फेमस है। तो आपका ये भी गलत हो गया। तालेचर जो है या तालचेर जो है ये कहाँ पर पाया जाता है? ये उड़ीसा में पाया जाता है। और उड़ीसा में जो तालचेर है ये फिर से किस लिए फेमस है? तो ये कोयला के लिए फेमस है। तो आपका ये भी गलत हो गया। बॉक्साइट लोहरदगा में पाया जाता है। तो लोहरदगा कहाँ पर है फिर से एक बार? तो लोहरदगा जो है ये झारखंड में है। और झारखंड का जो लोहरदगा है यहाँ पर बॉक्साइट माइन पाया जाता है, बॉक्साइट माइन पाया जाता है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो चार हो जाएगा, कि बॉक्साइट लोहरदगा के साथ क्या है? सुमेलित है, ये पूरी तरीके से सुमेलित है। तो नौवें प्रश्न में आपका उत्तर जो हो गया वो चार हो गया। बहुत ही सिंपलिस्टिक प्रश्न सब है, बहुत भारी प्रश्न नहीं पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहीं पर गलती होने की संभावना रहती है, कि हमें सबसे पहले यही कोट कर लेना चाहिए कि सुमेलित नहीं है। तो अनसन जो है ये कहाँ पर पाया जाता है? ये औद्योगिक क्षेत्र है जो चीन में पाया जाता है। डेट्रायट जो है ये तो सभी को पता होगा ये यूएसए का है। अनसन चीन का हो गया, डेट्रायट यूएसए का हो गया, और याकोहाम कहाँ पर हो गया? ये जापान में हो गया। तो अनसन जो चीन में लौह इस्पात है ना, एक तरीके से चीन के लौह इस्पात की राजधानी मानी जाती है। ये अनसन है चीन के लॉस पाथ की राजधानी मानी जाती है। तो ये जो है करेक्टली मैच है। डेट्रायट यूएसए में है, ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। और याकोहाम जापान में है, जो जलपोत निर्माण और इंजीनियरिंग दोनों उद्योगों के लिए फेमस है। तो यहाँ पर जलपोत है, सही है। तो इसका आंसर फिर से एक बार क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा। जो गोरनाया सोरिया है ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस नहीं है। तो इसका आंसर आपका चार हो जाएगा। दसवां का 11वां प्रश्न जो है वो है कि फिर से निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। फिर से एक तरफ झील दिया हुआ और दूसरी तरफ क्या है? देश दिए हुए हैं कि कहाँ पर कौन सा झील है। तो यहाँ पर क्या है कि बालखस झील जो है वो कजाकिस्तान में है, ये सही है। टिटिकाका झील बोलिविया और पेरू की सीमा पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, ये सही है। ये संसार की सबसे ऊंची नौगम्य झील भी है। ये जो टिटिकाका झील है ये क्या है? ये संसार की सबसे
ऊंची नौगम्य झील है। सबसे ऊंची कैसी झील है? तो सबसे ऊंची नौगम्य लेक है। इरी झील यूएसए और कनाडा में है। ये भी सही है। ये जो इरी झील है, जो ग्रेट लेक्स है, पांच झील का क्षेत्र है, उसी का ये पार्ट है। जो यूएसए और कनाडा में पांच झील है, उसी का ये भाग है। इसमें जो पांच झील है, उसमें कौन कौन आता है? उसमें एक आता है सुपीरियर झील आता है। सुपीरियर के साथ साथ इसमें कौन एक आता है? दूसरा मिशिगन झील आता है। मिशिगन के बाद इसमें कौन आता है? तो यूरन झील आता है। यूरन के बाद इसमें कौन आता है? ईरी आता है। और ईरी के बाद इसमें कौन आता है? तो ओंटोरियो आता है। ओंटोरियो, इसी को हम लोग ग्रेट लेक्स रीजन कहते हैं, यूएसए और कनाडा में अवस्थित। इसमें जो मिशिगन झील है, मिशिगन केवल यूएसए में है। मिशिगन झील जो है, ये कहाँ पर है? केवल यूएसए में है। पांच झील में पूरी तरीके से यूएसए में है। शेष जो सुपीरियर है, यूरन है, और जो इरी एंटोरियो है, ये दोनों देशों में है। जो सुपीरियर लेक है, जो यूरन लेक है, जो इरी लेक है, जो एंटोरियो लेक है, इसका विस्तार यूएसए में भी है और कनाडा में भी है। तो आपका पूछा जा रहा है कि इरी झील कहाँ पर है, तो यूएसए कनाडा, ये भी सही है। बैकाल झील यूक्रेन जो है, यही गलत है। बैकाल झील कहाँ पर है? तो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में है। ये कहाँ पर अवस्थित है बैकाल झील? तो ये रूस में है। और एक प्रकार से ये जो रूस में है, ये दरारी घाटी झील का उदाहरण है। महाद्वीपीय व्रंश घाटी झील है। ये महाद्वीपीय दरारी झील का एग्जाम्पल है। महाद्वीपीय दरारी झील का एग्जाम्पल है। ये यूक्रेन में नहीं है, बल्कि रूस में है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो 11 प्रश्न ज्योग्राफी से पूछे गए थे, जिसमें कुछ दो प्रश्न पर्यावरण का था और शेष इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से थे, तो इसका मैंने विश्लेषण कर दिया है। अब आप अपने प्रश्न पत्र से इसको मैच कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि आपका कितना सही होता है। और यहाँ पर मैंने जो है सो पूरी तरीके से आंसर का नंबरिंग करके भी दे दिया है, तो इससे भी एक बार आप मैच कर लेंगे, देख लेंगे। और कट ऑफ कितना जाएगा, इस पर मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक एक बार आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि और सारे वीडियो देख के कि आप लोगों के स्कोर कितने हो रहे हैं, और उस स्कोर के आधार पर जो है एक कट ऑफ के बारे में आपको बताएंगे कि कितना जा सकता है जनरल ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट का, कितना कट ऑफ जा सकता है। तो आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट करिएगा। और सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है इस वीडियो को देखने के लिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए।